हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत ही दुखद समाचार, एक बहुत बड़े यूट्यूबर मालती चौहान विष्णुराज की वाइफ के बारे में सुनने में आ रहा है, जो बहुत ही अच्छी यूट्यूबर थी। उन्होंने सुसाइड कर लिया और पूरा मामला तो किसी को अभी तक पता नहीं चला है, बट बहुत ही दुख की बात है हम सभी यूट्यूबर के लिए, क्योंकि उनको देख के बहुत लोग उत्साहित होते थे जो यूट्यूब पे चैनल बनाते थे। तो मेरा गाइस आज का ब्लॉग ये था कि जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। और अक्सर हमारे देश की महिलाओं के साथ यही होता है, वो लड़की हो या महिला हो, और बहुत लोगों का बहुत सारा आज काफ़ी टाइम से उन लोगों का आपसी विवाद बहुत सारा चल रहा था, हस्बैंड वाइफ। उसमें बहुत से लोग और भी मतलब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मिर्च मसाला लेके जुटे हुए थे। तो किसी की पर्सनल लाइफ में सबसे पहले मेरा उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, जो जो किसी की पर्सनल लाइफ, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, घर टूट रहा है, कोई रोज़ घुट घुट के मर रहा है, तो आप अगर उस चीज़ को बना नहीं सकते हो तो उसे बिगाड़ने की कोशिश भी ना करो। कोशिश करो कि आपकी वजह से कोई खुश रहे, तो उसको आपकी वजह से किसी का घर परिवार बस जाए, संसार वो सुखी हो जाए, तो वो कोशिश करो, ना कि उसे बिगाड़ने की कोशिश करो। तो गाइज उनके लिए ये है। दूसरी चीज़ ये होता है कि इंसान ऐसे मतलब कैसे कर देते हैं ये नहीं समझ। आप किसी की फीलिंग के साथ, इस बात के साथ खेल रहे हो, आप तो यहाँ मज़े करते हो, इन्जॉय करते हो, जाने वाला चला जाता वो कि मतलब कोई सुसाइड करने के लिए बहुत मजबूर होता होगा तभी वो करता होगा, क्योंकि ये चीज़ें सब नहीं मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सोच समझ के अपने आप दिल पे पत्थर रख के वो ये कदम उठाता होगा। और मेरा सबसे पहले दूसरी चीज़ ये है, मुझे यहाँ के कानून के, उत्तर प्रदेश के कानून प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, जितने भी ये फांसी के केसेस आ रहे हैं, सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, प्रशासन चाहे, पुलिस चाहे और सरकार चाहे, क्या नहीं कर सकती। बस एक बार एक इंसान को सज़ा मिल जाए सही तरीके से, दोबारा किसी की वजह से कोई सुसाइड नहीं करेगा, ना कोई किसी को मारने की कोशिश करेगा। वैसे भी बहुत से हो रहे हैं कि लोग मार के पंखे में लटका दे रहे हैं और सुसाइड का नाम दे दे रहे हैं, चले वाला चला गया, उसके पीछे रोने वाले जो हैं वो रो रहे हैं, और कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मुजरिम है वो तो एकदम मज़े में घूम रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि मतलब किसी के फीलिंग के साथ आप ना खेलो, और आप किसी के जज्बातों के साथ ना खेलो, और सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार अगर ऐसा सरकार ने कर दिया, ऐसा नहीं होता कि लोगों को लोग जाके मारते ही हैं, बहुत लोगों को उसकाया जाता है, और आज डेट में ये सब जान चुके हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैंने बहुत लोगों के मुझसे सुना है कि बहुत लोग ये उसकाते हैं कि आप सुसाइड कर लो, और ये भी कहते हैं कि हाँ क्या होगा, बहुत होगा, 6 महीने 1 साल जेल रहूँगी या रहूँगा, फिर तो छूटी जाऊँगा, हाँ कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि मतलब मैं कितना भी बड़ा जुर्म, कांड, हत्या कुछ भी करूँगा, तो हम अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं 6 महीने 1 महीने 1 साल में छूट जाऊँगा, रिहा हो जाऊँगा। तो इस बेसिस पे क्राइम बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। तो ये प्लीज़ सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये चीज़ें, मुजरिम कोई भी हो, किसकी वजह से कोई मर रहा है, उसकी पूरी तहकीकात करा और उसको तुरंत फांसी की सज़ा दे, ना कि केस ना मुकदमा, ये जो लंबा चौड़ा खींच के ले आते हैं या ना करें। तो अगर आप लोग की भी मेरी वीडियो या मेरे बातों से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये सबकी लड़कियों, बहन बेटियों, माँ और बेटों के लिए भी, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के लिए भी होता है ये। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और मालती चौहान को भगवान महादेव उनकी आत्मा को शांति दें। अब तो वो चले ही गए, पर उन्हें इंसाफ मिले। अगर वो सुसाइड किए हैं, किसी के बहकावे में किया, कोई किया है, तो उनको इंसाफ मिले। अब सच्चाई तो हम नहीं जानते हैं, सच्चाई तो जो चला गया वो जानता है और भगवान जानते हैं, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए और बहुत ही दुख की बात है। आज के लिए यही।